बिस्म ला रही हम डेरिवेटिव्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हमने एक मेन डेरिवेटिव फॉरवर्ड्स की बात करें तो फॉरवर्ड्स तो, में हम अब देख रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर अवेलेबल विद इन द फॉरवर्ड्स क्योंकि हमने कहा था कि एक डेरिवेटिव मल्टीपल टाइप्स ऑफ अंडरलाइंग्स पे एग्जिस्ट करता है तो आज हम बात करेंगे इसमें कि डेरीवेटिव बॉन्ड्स के साथ कैसे लिंक ही है हमने थोड़ी सी आम्शन भी हुई है कि आपको फाइनेंस की बेसिक टर्म्स बॉन्ड्स इक्विटी की चीज़ें आती हैं अगर नहीं भी आती है तो घबराने की बात नहीं हम बेसिक्स तो डिस्कस करेंगे इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी तो हमारे एक स्पेसिफिक टॉपिक को आप सर्च करके उसका एक बैकग्राउंड भी ले सकते हैं लेकिन हम उसकी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स टू वी सी द एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन बॉन्ड्स फॉवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बॉन्ड्स आर सिमिलर टू इक्विटी इक्विटी की भी हम बात करेंगे तो इनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ है एक्सेप्ट दैट इक्विटी की बजाय आप यहाँ पे बॉन्ड्स हमारे अंडरलाइंग एसिड्स होंगे जिन पे हम अपने फॉरवर्ड्स को बेस करें फॉरवर्ड कैन बी रिटर्न ऑन बोथ जीरो ज़ीरोपन एज वेल एज़ कोपोन पेइंग जीरो कुपोन बॉन्ड कौन से होते हैं कि जिनमें कोई प्रॉफिट की पेमेंट नहीं होती यू गेट इट एट अ वेरी लो प्राइस और मच्योरिटी पे आपको उसकी फुल प्राइस मिल जाती फॉर एग्जाम्पल एक थाउजेंड डॉलर का बॉन्ड है तो आपको अभी वो हो सकता है आठ सौ का मिल जाए जब वो दो साल कंप्लीट हो या तीन साल का कंप्लीट पीरियड हो तो उसके बाद आपको फिर हज़ार मिल जाएगा तो आपका गेन क्या है कि यू बॉय इट एट अ लो प्राइस इसको प्योर डिस्काउंट या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी कहते हैं और कोपॉन पेइंग बॉन्ड्स कौन से होते हैं कि जो रेगुलरली कुछ इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर रहे होते हैं तो अभी हम बात करते हैं कि इन पर डेरेवेटिव कैसे अप्लाई हो सकते हैं हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प अस इन मैनेजिंग आर पोर्टफोलियो ऑफ द बॉन्ड

टी बिल जो है ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है और फोर परसेंट वो अपने डिस्काउंट पे ट्रेड करा यानी कि वैल्यू जो होगी उसकी वो फोर परसेंट लोअर लेवल पे एग्जिस्ट कर रही होगी ये एनुलाइज डिस्काउंट रेट है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है दिस मीन दैट थाउजेंड डॉलर पार टी बिल इज़ सेलिंग एट थाउजेंड टाइम्स फोर परसेंट ब्रैकेट में हमने ले लिया वन एटी और थ्री सिक्सटी जैसे हमने कहा था वन एटी डेज का तो इसकी वैल्यू इस वक्त निकली नाइन एटी कि अगर कोई अभी खरीदेगा तो नाइन एटी का ख़रीद लेगा मेच्योरिटी पे उसको थाउजेंड मिल जाएगा इफ़ टी बिल इज़ हेल्ड टिल मच्योरिटी इट विल फेच थाउजेंड डॉलर मेच्योरिटी पे जाके आपको हज़ार डॉलर मिल जाना यू विल बी गेनिंग इट टू पार्टीज कैन एंटर इन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सच एज पार्टी ए विल बाय दिस टी बिल फ्रॉम बी एट अ प्राइस ऑफ नाइन एटी फाइव ये एक इन टर्म फॉरवर्ड एग्रीमेंट हो रहा है सो फॉर एग्जाम्पल किसी को तीस दिन के बाद बेचना है या किसी को तीस दिन के बाद खरीदना है तो ये अभी ये लॉक कर रहे हैं तो इन्होंने 985 के रेट पे अपने आप को लॉक कर लिया दिस विल बी अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि तीन थर्टी डेज के बाद की बात हो रही है तो वेन मार्केट बॉन्ड्स का और इंटरेस्ट रेट्स का जरा इनवर्स रिलेशनशिप है ये हमें पता है इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाएगी इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी सिंस लॉन्ग इज रिक्वायर्ड टू परचेज बॉन्ड अ डिक्रीज इन प्राइस विल लॉस फॉर हिम एंड प्रॉफिट फॉर द शॉर्ट अब ये डिपेंड करेगा मार्केट की मूवमेंट क्या अगर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा कम हो जाएंगे तो क्या होगा एक पार्टी हमेशा गेन कर रही होगी दूसरी पार्टी लूज कर रही होगी केस ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट तो क्या होगा इट विल बी प्रॉफिट फॉर द लॉन्ग इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ द बॉन्ड अगर ब्रॉन्ड की प्राइस बढ़ गई है और आप लॉन्ग हैं तो आपको फिर उसमें गेन होगा कोपन पेइंग बॉन्ड थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनमें क्योंकि इंटरेस्ट भी दिया जा रहा होता है इन केस ऑफ कुपॉन पेइंग बॉन्ड्स द प्राइज इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल भी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ यील्ड टू मेच्योरिटी क ये ही टू मेच्योरिटी की टर्म्स में लिखा जाता है एज ऑन द सेटलमेंट डेट के ये क्या उसपे साथ मैकेनिज्म होगा और यील्ड एक्सक्लूड द अक्रूड इंटरेस्ट जो उसका पहले वाला अक्रूड इंटरेस्ट है वो एक्सक्लूड किया जाता है अदरवाइज दैट यानी कि जो डेरेवेटिव है हमारा जो जीरो कुपोन पर भी एग्जिस्ट करेगा और दूसरे बॉन्ड्स पे भी दे आर सेपरेट प्रोविजन फॉर रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड अदर फीचर्स हच आर एम्बेडेड ऑप्शन अब एक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिफ़ल्ट रिस्क क्योंकि जब दो पार्टीज़ के दरम्यान में एग्रीमेंट हो रहा है एक ने बेचना है और एक ने खरीदना है फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो बेचने वाला थोड़ा सा रिल्कटेंट हो सकता है तो हो सकता है कि वो अपने उस कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट कर जाए जो कि वैसे तो बहुत एथिकली गलत है लेकिन हमने ये देखा है कि ये भी एग्जिस्ट करता है इसको हम कहते हैं दिफॉल्ट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क तो इसके लिए सेपरेट हमें इसको कैप्चर करना है कि किस पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन फॉरवर्ड में ये रिस्क एग्जिस्ट करता है दीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी ऑन इंडिविजुअल बॉन्ड एज वेल एज पोर्टफोलियो बॉन्ड्स इंडिविजुअल बॉन्ड्स पे भी हो सकते हैं और एक पूल ऑफ पोर्टफोलियो और बॉन्ड्स पे भी हो सकते हैं इसमें अगर आप देखें तो ये आपको रिलेशनशिप शो कर रहा है पे ऑफ का कि हमारी द लॉन्ग प्रॉफिट इफ द स्पॉट प्राइस एट द डिलीवरी एस टी एक्सीड्स द ओरिजिनल फॉरवर्ड प्राइस यानी कि स्पॉट प्राइस ज़्यादा है और जिस रेट पे हम लॉक हुए हुए हैं वो कम है तो जो लॉन्ग वाली पार्टी होगी वो गेन करी होगी और इट्स गोइंग अप और इसका रिवर्स में जो शॉर्ट वाली पार्टी है वो लूज कर रही होगी तो ये इट गोज़ वाइस बोर्सा जीरो सम गेम है एक को गेन हो रहा है और दूसरे को लॉस हो रहा है प्रॉफिट फ्रॉम द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हम कैसे निकाल सकेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे स्पॉट प्राइस जो एट जो टाइम टी आ जाएगा उससे हमारा जो फॉरवर्ड का लॉक रेट है उससे कंपैरिजन करके स्पॉट माइनस फॉरवर्ड एज पर द यूनिट एंड द शॉर्ट लूज दिस अमाउंट अगर स्पॉट ग्रेटर देन फॉरवर्ड है यानी कि जो जिस टाइम पे हम सेटल कर रहे हैं स्पॉट ज़्यादा है तो जो शॉर्ट वाला है वो लूज़ कर रहा होगा अगर इसका उल्टा हिसाब होगा स्पॉट प्राइस कम होगी तो जो लॉन्ग वाला है वो लूज़ करो हमने हमेशा कहा था एक लूज़ करता है एक गेन करता है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यू सेल ट्वेंटी मिलियन येन एट अ फॉरवर्ड रेट ऑफ पॉइंट ज़ीरो नाइन आपने सेल किया और रेट क्या हो गया पॉइंट ज़ीरो नाइन ऐट एक्सपायरेशन स्पॉट रेट इज़ पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट थ्री हमने पॉइंट जीरो नाइन पे सेल किए मैं और रेट हो गया पॉइंट ज़ीरो एट थ्री यू कैन सी द रेट इज़ फॉलिंग एट एक्सपायरेशन लॉन्ग पे ऑफ क्या होगा जिसने बाय किया हुआ है वो पॉइंट जीरो एट थ्री जो स्पॉट प्राइस माइनस लॉक इन रेट जीरो नाइन इंटू ट्वेंटी मिलियन दैट इज़ फोर्टीन थाउजेंड ये उसको लूज कर गया और जिसने शॉर्ट किया हुआ था जैसे हमने कहा था ना हमने सेल किया तो वी वर शॉर्ट ऑन इट तो वो शॉर्ट को उससे उतनी अमाउंट का गेन होगी गया ये आप ऐसी समझ लें कि हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम महंगा बेचेंगे और एक्चुअल रेट नीचे आ जाए तो हमें उसका फ़ायदा हो गया थैंक यू